तो दोस्तों, रिया चक्रवर्ती के रिलेटेड एक न्यूज 2 दिन पहले ही मेरे सामने आया था और जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना लिया था कि एनसीबी का ये जो डिसीशन लिया गया था कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के तरफ से जो पासपोर्ट उनको लौटाया दिया गया था ताकि वो विदेश यात्रा कर सके, तो क्या ये जो निर्णय लिया गया था ये क्या एक्चुअली में सही था या फिर नहीं। तो जिसके ऊपर मेरा एक वीडियो बन गया था और बनने के बाद जब मैं वो वीडियो को अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, तभी मेरे पास खबर आता है कि केस पूरा उल्टा हो गया है। यानी रिया चक्रवर्ती अब आईफा अवार्ड, यानी उस वीडियो में मैंने आईफा अवार्ड को एक बहुत ही अच्छा शब्द से वर्णन किया है, तो उस जगह पे वो नहीं जा पाएगी। तो पहले वो वीडियो एक बार मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ जहाँ तक शूट हो चुका था, तो जिसके कारण मुझे लगता है कि एनसीबी का जो ये जो कांड हुआ है, यानी आज चाहे भले ही रिया चक्रवर्ती बाहर ना जा पा रही है, शायद आज रिया चक्रवर्ती को कोई एक एजेंसी के द्वारा आज उनको रोक लिया गया है, पर एनसीबी के तरफ से तो रिया चक्रवर्ती को जाने के लिए परमिशन दिया गया था। यानी अगर एनसीबी इस जगह पे रिया को रोकती तो माना जाता कि हाँ वो सही है, नहीं एनसीबी ने जाने की इजाज़त दे दिया है पर एक दूसरा एजेंसी की तरफ से रिया को रोक दिया गया है लुकआउट नोटिस जारी करके। तो चलिए, ये जो रिया को रोकने वाली जो खबर है वो तो मैंने दे ही दिया, जिसका स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर दिया हूं, आप लोग देख सकते हैं न्यूज में। और साथ ही साथ क्या एनसीबी ने ये सही किया या फिर नहीं, इसका विस्तृत जो वीडियो मैंने बनाया था वो मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूं, तो वो वीडियो को एक बार देख लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना। चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले हैं। दोस्तों, रिसेंटली कई सारे लोगों का ये मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस पूरा खत्म हो चुका है, यानी सुशांत की केस में और वैसा कुछ बचा ही नहीं कि सुशांत को जस्टिस मिले या फिर सुशांत की केस से रिलेटेड जो भी कार्रवाई था वो क्लियरली हो। और ये बात किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली ऐसा कुछ कांड हुआ है जो देख के ऐसे सारियन के मन में एक शंका बैठ गया है कि शायद सुशांत सिंह राजपूत की केस हाथ से निकल गया। पर दोस्तों, किस बेसिस पे लोग ये सोच रहे हैं पहले मैं आप लोगों के सामने ये एक बार रख देता हूं। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि एनसीबी के तरफ से कुछ दिन पहले ही रिया चक्रवर्ती को छूट दे दिया गया है, यानी रिया चक्रवर्ती को इजाजत दे दिया गया है कि वो बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, और जिसके कारण एनसीबी के तरफ से उनका पासपोर्ट और फोन तो बहुत दिन पहले ही दे दिया गया था। तो शायद अब लोगों के मन में ये आ सकता है कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को इतना छूट देना मतलब सुशांत सिंह राजपूत की केस तो हाथ से निकल गया ही, यानी सुशांत के केस में और कुछ नहीं हो सकता। तो इस जगह पे मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि कौन कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस हाथ से निकल गया, यानी सुशांत सिंह राजपूत का केस हाथ में पकड़ा कब था। इतना दिन रिया चक्रवर्ती को बहुत ही ध्यान से याद करके देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बार भी नहीं बुलाया गया था, बल्कि उनको ड्रग मामले में बुला के जांच पड़ताल किया जा रहा था और बाद में एनसीबी के तरफ से समीर वांगखेरे साहब अभी नहीं है और अभी ये सब कार्रवाई ये सब नाटक चल रहा है और रिया को छूट दिया गया है, वो भी किस लिए, रिया दुबई में जाके आईफा अवार्ड में शामिल होंगे। तो रिया ने कोर्ट के सामने क्या कहा था, तो रिया ने कहा कि आईफा के संस्थापक उनको ग्रीन कार्पेट पर, यानी दुबई की आईफा यानी जो सर्कस होते हैं हर साल बॉलीवुड का जो सर्कस है, उस सर्कस में रिया को बुलाया गया ग्रीन कार्पेट पर चलने के लिए, जो सर्कस 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक होने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर कहीं पे एक सर्कस हो रहा है तो कई सारे भेड़ बकरियों के साथ साथ रिया जैसे भी कुछ एनिमल्स का जरूरत है, तो जिसके कारण ही उनको बुला के लेके जाया गया कि कुछ एनिमल्स का वहां पे कम पड़ रहा है, तो जिसके कारण रिया को निमंत्रण किया गया है। और गजब की बात तो यह है कि इस टाइम पे एनसीबी के तरफ से 2 ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। एक तो आर्यन खान को बेकसूर रिहा कर दिया गया है, और साथ ही क्या कोइंसिडेंट है,
आर्यन खान को बेकसूर रिहा कर दिया गया है और रिया चक्रवर्ती को बेकसूर करके भेज दिया गया है दुबई। तो एनसीबी का ऑर्डर है यार, यानी सेंट्रल की इतनी बड़ी एजेंसी का ऑर्डर है, ये तो मानना ही होगा, ये तो रिस्पेक्ट करना ही होगा। और साथ ही साथ एनसीबी का कुछ ऐसा कहना है कि हमने रिया को ऐसे ही नहीं छोड़ा, हमने रिया के ऊपर कुछ शर्तें डाल दिया। तो वो शर्त क्या है कि एनसीबी की तरफ से कहा गया है कि जितना दिन यानी 2 तारीख से 8 तारीख तक वो 6 दिन तक जब रिया दुबई में रहेंगे तो उस टाइम पे रिया को इंडियन एम्बेसी में जाके हाजिरी लगाना होगा और उन हाजिरी की पेपर को आके इंडिया में कोर्ट को पेश करना होगा। और साथ ही साथ एनसीबी की तरफ से ये भी कहा गया है कि रिया जब भी इंडिया में वापस आएंगे तो फिर से उनकी पासपोर्ट रख लिया जाएगा। अब मतलब क्या है इसका भाई, कि जब रिया को लगेगा कि बाहर थोड़ा सा घूम के आना होगा तो उस टाइम पे वो पासपोर्ट एनसीबी की तरफ से लेके वो निकल जाएगा और घूम के आने के बाद वो पासपोर्ट लेके एनसीबी को दे देगा और एनसीबी उसको धोके उसका पानी पिएगा। और मैं तमाम इसे सारियन को एक ही बात कहना चाहूंगा कि एनसीबी की तरफ से रिया के प्रति इतनी मोहब्बत देख के आप ये मत समझ लेना कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इतना दिन तक सुशांत सिंह राजपूत की केस के लिए रिया या फिर एनसीबी का 0% भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो जिसके कारण आप कह ही सकते हैं कि सुशांत की केस तो अभी तक हाथ में आया ही नहीं, हाथ से जाएगा क्या। यानी सुशांत की केस में अभी एनसीबी चाहे रिया चाहे शौविक चाहे कोई भी क्रिमिनल हो, किसी को नहीं बुलाया गया सुशांत की केस में, किसी से नहीं पूछताछ किया गया। तो जिसके कारण सुशांत की केस के साथ रिया को अभी जोड़ के आप लोग खुद को दुखी मत बनाइए, क्योंकि सुशांत की केस में अभी कुछ शुरू हुआ ही नहीं। तो फिर भी अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोगों की कमेंट बॉक्स तो खुला ही है, कह सकते हैं आराम से। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सबको खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।